हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सेकंड क्लास में सोशल स्टडी पढ़ाने जा रही हूँ। ये 5 लेसन है जिसका नाम है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मीन्स होता है दिशाएं। तो चलिए बच्चों, दिशाओं के बारे में इस लेसन में आपको पढ़ा रही हूँ क्या होती हैं दिशाएं और उनको कैसे समझते हैं कि किस साइड कौन सी दिशा है। डायरेक्शन इज द लाइन अलोंग विच ए पर्सन और थिंग मूव और लुक्स। डायरेक्शन वह लाइन होती है जिसकी तरफ कोई व्यक्ति या वस्तु मूव करती है या देखती है। लुक एट दीज टू बॉयज, इन दोनों बॉयज को, दोनों लड़कों को देखिए। वन इज टर्निंग राइट, एक बॉय, एक लड़का राइट दिशा की तरफ टर्न हो रहा, दूसरा लेफ्ट दिशा की तरफ टर्न हो रहा है। राइट मीन्स दायां, लेफ्ट मीन्स बायां और टर्निंग मीन्स मुड़ना। तो एक दाएं दिशा की तरफ मुड़ रहा, एक बाएं दिशा की तरफ मुड़ रहा है। द फॉरवर्ड एरिया इज द फ्रंट, और सामने का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वह क्या है? फ्रंट। फ्रंट मीन्स सामने। व्हाट लाइज बिहाइंड इज द बैक, और उसके पीछे जो जगह है वो कहलाएगी बैक। बैक माने पीछे। दस राइट लेफ्ट फ्रंट एंड बैक आर 4 डायरेक्शन। इस तरह से इन लड़कों के लिए 4 दिशाएं हो गई। सामने, आगे, सामने, पीछे और इस साइड, दोनों साइड, दाएं साइड, बाएं साइड। तो राइट लेफ्ट फ्रंट एंड बैक, ये 4 दिशाएं हो गई। 4 मेन डायरेक्शन, मुख्य 4 दिशाएं कौन सी होती हैं चलिए देखते हैं। द 4 मेन डायरेक्शंस आर, 4 जो दिशाएं होती हैं वह हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ माने उत्तर दिशा, साउथ मीन्स दक्षिण, ईस्ट माने पूर्व और वेस्ट मीन्स पश्चिम। तो ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये 4 दिशाएं होंगी। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ईस्ट इज द अपोजिट टू वेस्ट, ईस्ट जो होता है वह वेस्ट के अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में होता है। पूरा, पश्चिम, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में होते हैं। नॉर्थ इज द अपोजिट टू साउथ, जो नॉर्थ दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, वह दक्षिण के विपरीत दिशा में होती है। दीज 4 डायरेक्शन नेवर चेंज, ये दिशाएं कभी भी परिवर्तित नहीं होती हैं। लेट अस लर्न एन इजी मेथड टू नो दीज डायरेक्शंस, चलिए इन दिशाओं को समझने के लिए सबसे सरल तरीका देखती हूँ कौन सा है। देखिए, एक बॉय है जो सूर्य निकल रहा है उसके सामने खड़ा हुआ है। ये क्या है? राइजिंग सन मतलब उगता हुआ सूर्य, सुबह के समय है। गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जागो। स्टैंड विथ, सुबह सुबह जागो। स्टैंड विथ योर फेस टूवर्ड्स द राइजिंग सन, और अपने फेस को, अपने चेहरे को उगते हुए सूर्य के सामने खड़ा करके खड़े हो जाइए। कहाँ खड़े हो जाइए? जिस साइड से सूर्य उग रहा है उस साइड अपना मुंह करके, अपना फेस करके खड़े हो जाइए। स्ट्रेच योर आर्म्स, आर्म्स माने होते भुजाएं, हाथ, अपने हाथों को इस तरीके से जैसा इस फिगर में, इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरीके से दोनों हाथों को फैला लीजिए। नाउ योर फेस इज टूवर्ड्स द ईस्ट, अब आपका चेहरा किस दिशा की तरफ हो गया? ईस्ट दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ हो गया। ऑन योर बैक इज द बेस्ट, इसकी पीठ की साइड कौन सी दिशा है? बेस्ट है। बेस्ट मीन्स पश्चिम दिशा है, ईस्ट मीन्स पूर्व दिशा है। जिस साइड से सूर्य निकला वो पूर्व दिशा हो गई, और इस बॉय की, इस लड़के की पीठ की तरफ हो गई पश्चिम दिशा। टू योर लेफ्ट इज द नॉर्थ, इसकी लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट मीन्स बाएं, बाएं तरफ कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा। टू योर राइट इज द साउथ, और इसकी राइट साइड में, इसके दाहिने साइड कौन सी दिशा हो गई? साउथ, साउथ मीन्स दक्षिण दिशा हो गई। द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पश्चिम, सॉरी, पूर्व दिशा से उगता है। राइजिंग मीन्स उगना या निकलना। सूर्य किस दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से निकलता है। इट राइजेज इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय निकलता है। द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट,
सेट्स मीन्स होता है डूबना या अस्त होना। श्योर ऑलवेज मीन्स हमेशा। जो सूर्य होता है वह हमेशा पश्चिम दिशा की तरफ डूबता है। इट सेट्स इन द इवनिंग, और ये किस समय डूबता है, बादलों में छिप जाता है, यह शाम के समय। इवनिंग मीन्स शाम के समय। सूर्य शाम के समय बादलों में छुप जाता है। एन अदर मेथड टू नो द मेन डायरेक्शन, दूसरा तरीका सभी दिशाओं को जानने का है। स्टैंड विथ योर राइट हैंड टू वार्ड्स द राइजिंग सन, दूसरा एक तरीका ये भी है कि जिस साइड से सूर्य उग रहा है उस तरफ अपने हैंड्स को फैलाकर खड़े हो जाइए। और कौन सा हैंड्स फैलाइए, राइट हैंड। कौन सा हैंड फैलाएंगे आप, राइट हैंड सूर्य के साइड होना चाहिए, मतलब दायां हाथ आपके सूर्य के साइड होना चाहिए। टू पार्ट्स द राइजिंग सन, टू योर राइट इट इज द ईस्ट, तो जिस तरफ से सूर्य निकल रहा है वह दिशा हो गई या आपका राइट हैंड जिस साइड है वह हो गई आपकी पूर्व दिशा। हाँ, उससे किस दिशा का पता चलेगा, पूर्व दिशा का। टू योर लेफ्ट, आपके बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी, वेस्ट, पश्चिम दिशा हो जाएगी। योर फेस इज टूवर्ड्स द नॉर्थ, और आपका जो फेस होगा, आपका जो चेहरा होगा वो किसके सामने होगा, उत्तर दिशा के सामने। योर बैक इज टूवर्ड्स द साउथ, और आपकी जो पीठ होगी आपके पीछे होगा वह साउथ दिशा या दक्षिण दिशा होगी। तो इस तरीके से आप उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सभी दिशाओं का पता कर सकते हैं किसी भी जगह पर खड़े होकर। विथ द हेल्प ऑफ फोर मेन डायरेक्शन वी कैन फाइंड फोर अदर डायरेक्शन, जब हम चारों दिशाओं को जान लेते हैं तो उसके बाद हम कुछ दूसरी दिशाओं को भी जान पाते हैं। दे आर कॉल्ड सब डायरेक्शन, और उनको सब डायरेक्शन माने उप दिशाएं कहते हैं। लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम, डायग्राम मीन्स चित्र, चलिए इस चित्र में देखते हैं। देखिए ये क्या बना हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, रेड लाइन से बना हुआ है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इन दोनों रेड लाइनों के बीच में ये ब्लैक कलर की लाइनिंग खींची हुई हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट हो गया, इसी तरह वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ और वेस्ट, ये चारों क्या हो गई, ब्लैक लाइन से उप दिशाएं या सब डायरेक्शन शो किए गए हैं, बताए गए हैं। हाफ वे बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इज द नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आधे में ये क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। इसी तरह हाफ वे मतलब बीच में, हाफ वे मतलब आधा, इन दोनों के बीच में क्या होगी, नॉर्थ एंड वेस्ट इज द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाएंगे तो नॉर्थ नॉर्थ और वेस्ट होगी। इसी तरह हाफ वे बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज द साउथ ईस्ट, तो क्या होगी, साउथ और ईस्ट होगी, इसके बीच में साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होगी। इसी तरह हाफ वे बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज द साउथ वेस्ट उप दिशा होगी। डायरेक्शंस ओवर द मैप ऑन ऑफ इंडिया, चलिए अभी इसी दिशाओं को भारत के नक्शे पर देखते हैं। इंडिया वन भारत, मैप मीन्स नक्शा, अपने देश के नक्शे के ऊपर देखते हैं कि कहां पर ये दिशाएं बताई गई हैं। इफ वी लुक एट द मैप ऑफ द इंडिया, अगर हम इंडिया के मैप पर देखेंगे, वी विल फाइंड दैट, तो हम उनको पाएंगे। काश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया, काश्मीर कहाँ पर है, ये ऊपर की साइड है, और ये कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ हो गई। इसी तरह नीचे की तरफ, नीचे की तरफ केरला है जो इसकी वेस्ट में है, क्या हो गई, केरल इज द साउथ ऑफ, ये नॉर्थ में है तो ये क्या हो गई, साउथ में है, केरल जो हो गया वो इसकी साउथ दक्षिण दिशा की तरफ है। इसी तरह
नागालैंड इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, नागालैंड इधर ये ईस्ट है और इधर पर नागालैंड है, इस साइड गुजरात है और ये इसकी बेस्ट दिशा है, तो गुजरात इज इन द बेस्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से इस चैप्टर में आपने चारों दिशाएं देखी। ये हमारे देश का इंडिया का मैप है, इसमें ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो सभी दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। नॉर्थ साउथ एक दूसरे के अपोजिट होता है, ईस्ट वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट स्थिति में होती हैं, विपरीत दिशाओं में होती हैं। थैंक यू, आपका लेसन फिनिश हुआ।